तो यार आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा किसी भी लड़की को पटाने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका। वो भी इसलिए फ्रेंड, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, मैंने आपको हर एक टिप फॉलो किया है, फिर भी मुझसे कोई लड़की पटती क्यों नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना फ्रेंड, तो इस वीडियो को एंड तक देखो और आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी अपनी खुद की एक गर्लफ्रेंड रख पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना यार। तो एक सर कैसे हो आप लोग यार, मैं आप सभी का दोस्त और आप देख रहे हैं लव एडवाइस दिल से टिप। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दबा दो नोटिफिकेशन बेल को, जिससे कोई भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो प्लीज़ यार हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए यार शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो फ्रेंड मेरी पहली टिप ये है कि आपके माइंड में ना एक बात जरूर चलती होगी कि यार मैं उससे दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ या फिर मैं उससे ज़्यादा दिखने में बेटर नहीं हूँ, इसके कारण ना आप उस लड़की को नहीं पटा पाते हो। यार मैं मानता हूँ फ्रेंड ये आपकी बात ये सही है, पर इतना भी इस बातों पर डिपेंड मत करिए कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आप किसी से भी दिखने में अच्छे नहीं हो। फ्रेंड आप तो जानते हो होता क्या है इस टॉपिक में, को सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट की जरूरत है। वो कॉन्फिडेंट आपको आएगा कैसे, अपने से थोड़ा कम लड़की जो आपसे थोड़ी कम हैंडसम या खूबसूरत दिखती हो उस लड़की को आप लाइन मारो। उससे क्या होगा ना फ्रेंड, आपको ना अपने अंदर का कॉन्फिडेंट वापस आ जाएगा आपके। और जानते हो फ्रेंड ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप अपने से ज़्यादा बेटर लड़की को देखने जाओगे तो लड़की तो आप में कुछ देख ही नहींगी ना, तो आपके प्यार को एक्सेप्ट क्यों करेगी वो। बट यही अगर उससे थोड़ी लो क्वालिटी की देखोगे आप, जिसकी जो आपको लगे कि हाँ ये मीडियम है ये ठीक ठाक है, उस पर लाइन मारोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो लड़की आपसे पट जाएगी। आप ऐसा करते नहीं हो, आप खूबसूरत लड़की अक्सर देखते रहते हो, आप अपनी लुक पे या अपने डिफरेंट पे नहीं जाते हो, जिसके कारण आप लड़की से हाथ धो बैठते हो। तो फ्रेंड ऐसी गलती ना करो जो आपके लिए सबसे पहले बनी है, पहले आप उस पे लाइन मारो, उस पे ट्राई करो। जब आपसे वो पट जाएगी, जब आपकी दोस्ती अच्छी खासी हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि लड़कियों को किस टाइप के लड़के पसंद होते हैं एंड लड़कियों को पटाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड आप ये बात जब समझ जाओ ना, तब आपसे कोई भी दुनिया की लड़की पटना चाहेगी। सेकेंड टिप मेरी ये है कि फ्रेंड अगर आप जानते हो कि मैं थोड़ा कम खूबसूरत दिखता हूँ एंड मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, हालांकि अपनी ये सोच बना रखी है, पर फ्रेंड सब अपनी जगह पे बेटर होते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उस लड़की को लाइन मारें जिसको बहुत ही कम भाव मिलता हो एंड उसको बहुत ही ज़्यादा कम लाइन मिलता हो और वो थोड़ी आपसे ज़्यादा कम देखने में अच्छी हो, उस पर करो ना ट्राई। तो मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड कि वो आपका प्यार एक्सेप्ट जरूर करेगी। अब आप ये बात लेकर चलोगे ना कि ज़्यादा खूबसूरत पढ़ानी चाहिए, ज़्यादा ये करनी चाहिए, तो फ्रेंड ये आपकी सोच है, दिल उसके पास भी है, दिल इसके पास भी, वो भी आपसे बात करेगी एंड ये भी आपसे बात करेगी, और जितना हमने प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था ना उससे ज़्यादा आपसे ये प्यार करेगी। तो फ्रेंड इस बात को आप सही तरीके से अपने दिमाग में डाल लो। फ्रेंड होता क्या है ना कि जो थोड़ी कम खूबसूरत दिखती है उस पर ना बहुत ही कम लड़के लाइन मारते हैं, और उस बीच में आपने भी लाइन मारना कम कर दिया ना, तो यार समझ ही रहे होंगे अब क्या होगा। इसलिए अगर उस पर आप लाइन मारोगे ना, उस पर ट्राई करोगे तो आपका काम जरूर बनेगा। उन सब लड़कियों को ना ये लगता है कि यार काश हमें भी कोई लड़का मिल जाए, काश हमें भी कोई अपना लाइफ पार्टनर मिले, तो उस पर ट्राई लेते हो तो उस पर आपका काम आसान हो जाता है। अब फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है कि जितने मेरे भाई हैं एंड जितने मेरे दोस्त हैं उन सब के ना एक दिमाग में बात जरूर चलेगी, यार दोस्त यार मैं तुम्हारी वीडियो इसलिए थोड़ी देखता हूँ कि अपने से लो क्वालिटी की लड़की पटाऊँ, यार मुझसे बेटर क्वालिटी की लड़की चाहिए मुझे, इसके बाद मैं सेल्फी खींच सकूँ, उसके बाद घूम सकूँ। हाँ फ्रेंड ये बात आपकी ठीक है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप नया नया अगर राइडिंग भी कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली कार दिया जाएगा, इसलिए दिया जाएगा अगर बाई चांस आप ठोक देते हो या फिर एक्सीडेंट कर देते हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो, और इससे आपको ये होगा फ्रेंड कि आपको एक्सपीरियंस जल्दी मिल जाएगा एंड आपके पास गर्लफ्रेंड भी इस तरह जल्दी आ सकती है। ऐसे में क्या होगा ना कि अगर आप लो क्वालिटी की लड़की पकड़ोगे तो उससे आप ये बात समझ जाओगे कि लड़कियों को किस टाइप के लड़के पसंद आते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा लड़के के साथ कैसे बातें करना चाहिए, कैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसे 4-5 महीने या फिर उससे आप ज़्यादा टाइम बिता सकते हो, तब आप समझ जाओगे कि लड़की पटाने के लिए कैसी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद आप चाहो तो अपने से ज़्यादा खूबसूरत लड़की पटा सकते हो एंड जितना चाहो उतनी से ज़्यादा गुड लुकिंग लड़की पटा सकते हो, जिससे आपकी भी पर्सनैलिटी बनी रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें, पहले अपने एकदम से आप कॉन्फिडेंस को उठाए फिर ले जाके आप उसके सामने रखें। फ्रेंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि जो हैंडसम लड़के होते हैं वो स्टार्टिंग से लड़के एकदम खूबसूरत पकड़ते हैं, तो फ्रेंड ये आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो उतने भी हैंडसम लड़के होते हैं ना, अगर उनसे जाके पूछो कि भाई तेरी पहली गर्लफ्रेंड की फोटो दिख सकते हैं, वो कभी नहीं दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरी पहली गर्लफ्रेंड कैसी थी, उसने भी एक्सपीरियंस के लिए पहले लो क्वालिटी की लड़की पकड़ी होगी, उसके बाद ही उसने पकड़ा होगा हाई क्लास का। आपने भी कितने बार नोटिस किया होगा अपने आसपास के स्वभाव में कि कितने बार देखा होगा आपने जिसमें कि लड़की खूबसूरत होती है तो लड़का थोड़ा कम खूबसूरत होता है एंड लड़का ज़्यादा बेटर होता है तो लड़की कम बेटर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो सब भी नए नए होते हैं, उनको भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो फ्रेंड इसीलिए ही ऐसा होता है।
और फ्रेंड आप एक बात और जानते हो, अगर आपने बाई चांस से स्टार्टिंग में काफ़ी बेटर लड़की पटा लिया ना, तो आपका रिलेशन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा। वो इसलिए फ्रेंड क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि हाई क्वालिटी की लड़की को कैसे पसंद होते हैं लड़के स्वभाव के, एंड उससे कैसे बातें करनी चाहिए, कितना देर तक आप उसका टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो इसके कारण आपके रिलेशन ना लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगी। इसलिए पहले आप एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप जाओ। क्योंकि फ्रेंड अगर आप कहीं जॉब भी लेने जाते हो या फिर जॉब पर इंटरव्यू देने जाते हो, तो पहले आपसे पूछता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलती है। तो फ्रेंड ये सब अगर आपने ध्यान से समझ गए ना कि लड़कियों किस तरीके से पटाना चाहिए एंड कैसे लड़की पटाना चाहिए, तो यार मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास ना 3 से 4 दिन के अंदर आपकी खुद की गर्लफ्रेंड होगी, अगर आपने ये ऊंच बीच ये ज्यादा आपने naptol.com जैसा कुछ हरकत नहीं की तो। तो इसीलिए फ्रेंड अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास भी गर्लफ्रेंड होती है, इस टिप को सही तरीके से अपने दिमाग में डाल लो, तो मैं गारंटी लेता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास गर्लफ्रेंड जरूर होगी। तो यार अगर आपको वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगी ना, और अगर आपको लगा कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो प्लीज़ यार इस बार तो आपका एक लाइक बनता है यार, एक लाइक कर दो यार, थोड़ा हमें भी खुशी होगी कि हमने इस वीडियो में थोड़ी सी मेहनत की थी। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अंत में इस नहीं बोलना चाहूँगा, धन्यवाद दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मिलता है अगली बार प्यारी से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।